ये यहाँ पे सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है, यहाँ पे इन्फीरियर ऑर्बिटल मार्जिन है, ठीक है ना। तो अगर आई बॉल को ऊपर लेके जाना है तो यहाँ तो सुपीरियर रेक्टस है ही, ठीक है। तो सुपीरियर ऑब्लिक को हम लोगों ने यहाँ पे क्यों बैठाया, सुपीरियर ऑब्लिक को हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे बिठाया है कि भाई सुपीरियर रेक्टस आई बॉल को ज़्यादा ऊपर लेके ना चला जाए। तो अगर सुपीरियर रेक्टस आई बॉल को एलिवेट करेगा तो सुपीरियर ऑब्लिक उसे क्या करेगा, डिप्रेस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकेंडरी फंक्शन याद कर सकते हैं सुपीरियर ऑब्लिक का। तो अगर सुपीरियर ऑब्लिक डिप्रेस कर रहा है तो इन्फीरियर ऑब्लिक क्या करेगा, एलिवेट करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये सीधे मसल्स नहीं है, इनका पुली लेग एक्शन होता है। सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर है तो आई बॉल को नीचे लेके आएगा, ठीक है, क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। इन्फीरियर ऑब्लिक नीचे है तो आई बॉल को ऊपर लेके जाएगा, दैट इज एलिवेशन, ठीक है। तो चलिए अब निमोनिक को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपीरियर है ना, तो सुपीरियर का मैंने क्या बताया था, सुपीरियर आर इंटॉर्टर। तो जो प्राइमरी फंक्शंस होगा सुपीरियर ऑब्लिक का वो इंटॉर्शन होगा, ठीक है। क्योंकि ये टेढ़े मसल्स हैं तो इनका जो पहला नाम है वो उनका काम नहीं बताएगा, ठीक है। पहला नाम सुपीरियर है तो कायदे से एलिवेट करना चाहिए, लेकिन ये टेढ़े मसल्स हैं तो इनका पहला नाम उनका काम नहीं बताएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक की, अगर सुपीरियर इंटॉर्टर्स हैं तो इन्फीरियर क्या हो जाएगा, एक्सटॉर्टर, तो ये एक्सटॉर्शन कराएगा, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। टर्सरी फंक्शन के लिए फिर से वही निमोनिक, रेड, ठीक है। रेक्टाई आर एडक्टर, तो जो ऑब्लिक होंगे वो कैसे हो जाएंगे, एबडक्टर। तो चाहे वो इन्फीरियर ऑब्लिक हो या सुपीरियर ऑब्लिक हो, दोनों का फंक्शन क्या हो जाएगा, एबडक्शन और एबडक्शन। इस तरह से जो मैंने आपको सबसे शुरू में चार्ट दिखाया था है ना, वो इजिली आप याद कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप सारे मसल्स का नाम एक साइड लिख ले है ना, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी फंक्शन अपने से एक बार लिखने की कोशिश करिए वीडियो देखकर, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल आपको 5 मिनट लगेगा ना, और आराम से आप इसलिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, पीजी में कोई भी क्वेश्चन आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।